कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। भय की राजनीति करते हैं, डरा के लोगों को वोट लेना चाहते हैं। जनता के बारे में कम चिंतित हैं, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा चिंतित है। मैं समझता हूं उनकी चिंता लाजमी भी है कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो जनता सोच समेत उनसे हिसाब करेगी। सेंटर में तीसरी बार उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार उनकी सरकार है, कई और स्टेटों में सरकार है। वो भय की राजनीति करते हैं, डरा के लोगों को वोट लेना चाहते हैं, जबकि उनकी खुद की सरकार है और तमाम तरह से बुलडोजर और तमाम तरह की जो कानूनी कार्रवाई वो करते हैं, जो संविधान के, लोकतंत्र के, न्याय प्रक्रिया और न्यायपालिका के विरोध में होती है, उसके बावजूद भी वो जनता को डराना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पर ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उत्तर प्रदेश में आज ही दो बड़ी घटनाएं, एक कल घटी है जहां 4 साल के बच्चे का अयोध्या में रेप हुआ है, और फरुखाबाद में 2 बच्चियों को एक ही जो है चुनी से मार के लटका दिया गया है। जिन मुख्यमंत्री कार्यकाल में बेटियां सुरक्षित ना हो और छोटी छोटी बच्चियों पर अन्याय अत्याचार हो, उनकी हत्याएं हो, उनके साथ रेप हो, उन मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर बढ़ के भी अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। वहां मुख्यमंत्री फेल नजर आते हैं और घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए 49 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पुलिस भर्ती में जब घोटाला हुआ था, हमारी मांग पर उन्होंने दोबारा से पुलिस भर्ती कराई, और तमाम तरह के ऐसे विषय हैं जिन पे उनको जवाब देना चाहिए। वो समझदार आदमी हैं तो वो सोचते हैं कि पहले से इस तरह की बात कर जाए, जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हट जाए। किसानों को बाढ़ से बड़ी परेशानी हुई, फसलों का बहुत नुकसान हुआ, मुआवजे के नाम पर कोड़ियां दिखाई गई। मैं जिस क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत के आया हूं, वहां पर गुलदारों का बहुत बड़ा हमला है। मैंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, स्टेट मिनिस्टर को भी लिखा है, तमाम तरह से जो है इंसान 24 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनता के बारे में कम चिंतित हैं, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी कुर्सी के बारे में ज्यादा चिंतित हैं। मैं समझता हूं उनकी चिंता लाजमी भी है कि जनता में उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। अब जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो जनता सोच समेत उनसे हिसाब करेगी।